गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा भक्ति आंदोलन से संबंधित टॉपिक होगा। भक्ति आंदोलन जो है वो आप पहले भी कई बार इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे। बेहद ही आसान टॉपिक है और चैप्टर नंबर 11 है आपका। तो शुरू करते हैं। मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास रहा है उसमें भक्ति और जो सूफी आंदोलन रहे हैं उनका बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये दोनों ही आंदोलन मध्यकालीन भारत में एक युगांतकारी घटना के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। इन घटनाओं का जो है बहुत ही इतिहासकारों के द्वारा बहुत ही अच्छा विवरण जो है वो दिया गया है। इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो ये आंदोलन तत्कालीन समय में धर्म में और जो समाज में आई हुई कुरीतियां हैं उनको दूर करने के उद्देश्य हेतु जो ये आंदोलन चलाए गए थे। सूफी आंदोलन जो है वो इस्लाम धर्म के उदय के साथ ही शुरू होता है। सूफी आंदोलन जो है इसकी उत्पत्ति का जो मूल कारण था वो इस्लामी रहस्यवाद जो है वो माना गया है। सल्तनत युग का जैसे ही शुभारंभ होता है अर्थात 1206 में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है उसी समय में जो इस्लाम है उसका प्रादुर्भाव भारत में हुआ था। जब इतने राजे महाराजे भारत में आए तो वो अपने साथ अनेक इतिहासकार, अनेक दरबारी कवि, अनेक संत जो है वो साथ लेकर आए। उन्होंने जो है भारत में जो सूफी मत है उनको फैलाने का कार्य किया है। सूफी आंदोलन जो है जो इस्लामी इतिहासकार है या सूफी जो मत के समर्थक में है जब वो भारत के व्यक्तियों के संपर्क में आए तो भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को उन्होंने अपने अंदर समावेशित करने का कार्य किया। जहाँ एक ओर उन पर भारत की संस्कृति का, भारत के रीति रिवाजों का, भारत के विश्वासों का, भारत की विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा, वहीं दूसरी ओर उनके जो मत थे बहुत ही सरल जो सूफी मत की बातें थी, यही कहिए कि जाति भेद रहित जो समाज के सिद्धांत थे, उन्होंने भी हिंदुओं के हृदय पर हलचल जो है वो पैदा की। इस प्रकार हिंदू मुसलमानों से और मुस्लिम संस्कृति हिंदू की संस्कृति से प्रभावित हुई, जिससे एक जो मिश्रित संस्कृति है उसकी जो आधारशिला इस समय में रखी गई। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक भारत में जो है भक्ति और सूफी आंदोलन अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यह आंदोलन जो भारत का इतिहास है उसमें एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किए जाते हैं। पहले हम भक्ति आंदोलन जो है उसकी बात करते हैं। तो भक्ति आंदोलन जो है वो विभिन्न आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन भक्ति आंदोलन रहा है। ये आंदोलन जो है हिंदू धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां थी, जो उस समय के दोष थे, उनको दूर करने के लिए आया था। इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच जो है वो भारत में के विभिन्न क्षेत्रों में रही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह आंदोलन एक बार ही फैला है, यानी एक ही क्षेत्र में फैला है। यह विभिन्न चरणों में और अलग अलग समय में भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला। यह आंदोलन जो है सबसे पहले दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई। दक्षिण भारत में से रामानंद हुए जो कि इनको दक्षिण भारत से आगे अन्य क्षेत्रों में जो है उत्तर भारत में और भारत के विभिन्न कोनों में ले जाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो ये आंदोलन है 9वीं से 16वीं शताब्दी तक इस आंदोलन ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने का कार्य किया है। ये आंदोलन दो तरीके से चला है, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि आंदोलन दो जो है चरणों में रहा, दो विचारधाराओं में चला। पहला सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जिसका अर्थ होता है कि ये लोग अवतारवाद में विश्वास करने वाले थे, ये राम कृष्ण, राधा कृष्ण की या सीता राम की या विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने वालों का मत, वाले मत के समर्थक का था। इस विचारधारा को मानने वाले जो थे वो अवतार की पूजा करते थे, जो प्रभु है उसको सगुण रूप जो है उसकी उपासना करने वालों का मत समर्थक थे। इसके अलावा जो निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति से तात्पर्य है कि जो कि अवतार में विश्वास नहीं रखते हैं वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं। इस मत को मानने वाले जो है वो प्रभु की सगुण रूप में भक्ति न करते हुए निर्गुण रूप में भक्ति करते थे। तो इस प्रकार रामदेव हुए हैं, गुरु नानक देव हुए हैं, रविदास हुए हैं, भक्त कबीर हुए हैं, ऐसे अनेक ऐसे भक्त कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है। तो इस तरीके से भक्ति आंदोलन जो है वो सगुण और निर्गुण दो रूपों में चला है। अब हम भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों को जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो भक्ति आंदोलन जो है उसका प्रादुर्भाव निम्न कारणों से माना जाता है।
पहला कारण, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके वजह से भारत में जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? तो पहला है हिंदू धर्म में दोष। हिंदू धर्म जो है प्राचीन धर्म से बड़ा ही आदर्श धर्म भारत में रहा है, लेकिन मध्यकाल तक आते आते ये धर्म जो है इसमें अनेक कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी, अनेक बुराइयां आ गई थी। छुआछूत, दहेज प्रथा और सती प्रथा, तीर्थ यात्राओं पर विचित्र प्रकार के कर और पता नहीं क्या किस किस प्रकार के आडंबरों ने हिंदू धर्म को घेर लिया था, जिसकी वजह से जो है हिंदू धर्म में दोष उत्पन्न हो गया था। दूसरा कारण, इस्लाम धर्म का खतरा। भारत में जैसे ही मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है तो हिंदुओं पर घोर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। जहाँ उन्होंने हिंदुओं पर घोर अत्याचार किए हैं, साथ साथ बलपूर्वक उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का भी प्रयास किया है। इसलिए इस्लाम में जो सभी के साथ इस तरीके इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने की वजह से हिंदू धर्म को एक तरीके से खतरा जो है वो मंडराने लगता है। दूसरी ओर जो निम्न वर्ग के लोग थे जो कि अत्याचारों को सहन नहीं कर सकते थे, उन्होंने जो है इस्लाम को स्वीकार करना ही अच्छा समझा और बहुत सारे हिंदू जो कि निम्न वर्ग से संबंधित थे इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये मत रहा है वो है इस्लाम धर्म का खतरा हिंदू धर्म पर मंडराने लगता है। एक अन्य कारण, महान सुधारकों का जन्म है। तो तत्कालीन समय में शंकराचार्य, रामानुज, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद जैसे ऐसे संतों का भारत में जन्म हुआ जिन्होंने अपनी सरल शिक्षाओं से, अपनी सरल भक्ति के मार्गों से लोगों को प्रभावित किया और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को उत्प्रेरित किया। इसके बाद सूफी मत का प्रभाव। तो सूफी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस प्रकार हिंदुओं के रीति रिवाजों ने, हिंदुओं की जो संस्कृति थी, हिंदुओं की जो सिद्धांत रहे हैं, उन्होंने जैसे सूफियों को प्रभावित किया, वैसे ही सूफियों की सरल शिक्षाओं ने सामान्य जनजीवन पर प्रभाव डाला। सूफियों के मत जो है वो भी गुरु भक्ति पर, मानव सेवा पर बल देते हैं। तो इस तरीके से बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, इस तरीके से हमीदुद्दीन नागौरी, ये ऐसे सूफी संत हुए जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया, जिसकी वजह से भक्ति का जो मार्ग है वो अग्रसर हुआ। इसके बाद मुसलमानों का यहाँ बस जाना। तो जो हिंदू है उनको अभी पता लग गया था कि ये मुस्लिम राज्य स्थापित हो चुका है और हमें इसी के अंडर जो है वो रहना है, इसलिए उनके लिए ये सबसे अच्छा विकल्प था कि वो मुसलमानों के साथ सामंजस्य स्थापित कर दें। इसके बाद है आश्रय की खोज। तो भारतीयों के हाथ से सत्ता जा चुकी थी, वो राजनीतिक को खो चुकी थी, इसलिए उनको कोई अन्य मार्ग नहीं दिख रहा था। शांति, अपने मन की शांति के लिए जो उद्विग्न उनके अंदर पैदा हो रहा था उसको रोकने के लिए ये एक अच्छा विकल्प था कि वो भक्ति के मार्ग को अपनाएं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कारण मैंने यहाँ बताए हैं, ये सब कारण भक्ति मार्ग की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। अब हम भक्ति की जो है विशेषताएं उन पे बात करते हैं। तो ईश्वर जो है उसका महत्व, भक्ति को जो मानने वाले हैं वो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, कण कण में विराजमान मानते हैं कि ईश्वर की सत्ता को हमें मानना चाहिए। ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, हम सब में ईश्वर जो है वो वास करते हैं और ना उसे मंदिर में ना उसे मस्जिद में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही व्याप्त है। इस तरीके से ईश्वर की सत्ता जो है उसमें ये लोग विश्वास करते हैं। दूसरा है गुरु की महिमा। गुरु को सबसे ऊंचा पद जो है इन्होंने दिया है कि गुरु जो है वो सबसे ऊपर है, गुरु ही भक्तों को मुक्ति का मार्ग जो है वो दिखाने वाले हैं, गुरु के द्वारा ही हम अपने लिए जो सही मार्ग है उसको ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जाति प्रथा में अविश्वास। जाति प्रथा जो है भक्ति आंदोलन जो है वो जाति प्रथा का घोर विरोधी है। जितने भी भक्त संत हुए उन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया है, जाति प्रथा का घोर विरोध किया है। उनके अनुसार ईश्वर जो है उसकी नजरों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, उसने सबको समान पैदा किया है, जो उसकी भक्ति करता है उसके लिए वो सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार उसने उन्होंने जो अनुयायी थे उनके बीच ऊंच नीच के भेद को खत्म करते हुए सब में जो है समानता का भाव जगाया। जैसे गुरु नानक देव हुए, उन्होंने इस चीज को व्यावहारिक जीवन में लाने का प्रयास किया, जैसे लंगर व्यवस्था चालू की जिसमें ऊंच और नीच समान रूप से भाग लेकर भोजन जो है वो ग्रहण कर सकते थे। इसके बाद है आत्मसमर्पण। तो प्रभु जो है उसकी दया से मनुष्य के जो सभी बिगड़े हुए कार्य हैं वो संपन्न होते हैं। हमें अपना तन मन धन सब कुछ उस प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। भक्ति संत जो है वो सबको सिर्फ भक्ति का मार्ग ही सुझाते हैं। सत्य बोलना चाहिए, सत्य आचरणों का पालन करना चाहिए, जीवन में किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। बस यही बातें जो है वो आत्मसमर्पित जो है हमें अपने क्रोध लोभ मोह माया को छोड़कर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों में समन्वय का प्रयास
तो भक्ति संघ के जो उपदेश थे उनमें एकता पर बल दिया गया है। उनका यही प्रयास रहा है कि जो व्यक्ति है वो आपस में जो है प्रेम से रहें, और हिंदू और मुसलमान जो है उनको एक करने का कार्य इन्होंने किया है। इसके पश्चात सामान्य जन की भाषा में प्रचार, तो भक्ति आंदोलन जो है उन्होंने अपनी संस्कृत भाषा से हटकर आम बोलचाल की जो भाषा है उसको लिया है, आम बोलचाल की भाषा में अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। इसके पश्चात मूर्ति पूजा में है विश्वास। मूर्ति पूजा का घोर खंडन जो है वो भक्ति संतों के द्वारा किया गया है। कबीर जी का कहना था कि यदि आप पत्थर की पूजा करते हो और उससे परमात्मा मिल जाता है तो मैं पहाड़ को पूजता हूँ, लेकिन जो मूर्ति अगर उसको पानी में डाल दिया जाए और वो खुद की ही रक्षा नहीं कर सकती तो वो आपकी क्या सुरक्षा करेगी। तो इस प्रकार जो है मूर्ति पूजा में इन्होंने यह विश्वास जताया है। निरर्थक रीति रिवाजों में यह विश्वास जताया है। जो भी उस समय की कुरीतियां थी उनको घोर खंडित करते हुए इन्होंने बहुत ही सरल और सीधे जो मार्ग है वो लोगों को सौंपे हैं, परोसे हैं। इस प्रकार जो है भक्ति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। आप अभी कारण और इसकी जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन कीजिए। बचा हुआ क्वेश्चन जो है वो आपका बाद में नेक्स्ट वीडियो के में मेरे द्वारा करवाया जाएगा। सो टेक केयर एंड गुड बाय।